पंजाब का पानी असी पहला ही खत्म कर चुके हैं। जे थोड़ा पानी बचा है वह भी साढ़े को खोण की तैयारी की जा रही है। अज का कौड़ा सच ये है कि साढ़े सातर दिमाग दुश्मन ने बहुत सोची समझी पलानक तहत पंजाब की नौजवानी नशिया की दलदल में फसा दिता है। गैंगस्टर कल्चर भी इस दी साजिश की कड़ी का हिस्सा है। बचे खुचे नौजवान परिवार ने पंजाब के मंदे हालात कारण मजबूरी बस विदेशों में भेजने शुरू कर दिते हैं। सब तो अहम तो खतरनाक गल यह है कि बहुत खतरनाक मनसूबों नाल पंजाब की डेमोक्रेसी बदली जा रही है। अज का कौड़ा सच ये है कि साढ़े सातर दिमाग दुश्मन ने बहुत सोची समझी पलानक तहत पंजाब की नौजवानी नशिया की दलदल में फसा दिता है। गैंगस्टर कल्चर भी इस दी साजिश की कड़ी का हिस्सा है। बचे खुचे नौजवान परिवार ने पंजाब के मंदे हालात कारण मजबूरी बस विदेशों में भेजने शुरू कर दिते हैं। पंजाब का पानी असी पहला ही खत्म कर चुके हैं। जे थोड़ा पानी बचा है वह भी साढ़े को खोण की तैयारी की जा रही है। सब तो अहम तो खतरनाक गल यह है कि बहुत खतरनाक मनसूबों नाल पंजाब की डेमोक्रेसी बदली जा रही है। इस करके पंजाब विच हर साल बहुत बड़ी तादाद विच होर सूबियां तो आवास हो रहा है। सो जे अजे भी असी अखां बंद कर रखियां ते केवल बयाना तक ही सीमित रहे, इकट्ठे ना होके आर पार की लड़ाई वाला संघर्ष ना लड़िया तो आउण वाला समा सिखां ते पंजाब लई इन्ना भयानक होवेगा के जिसकी असी कल्पना भी नहीं कर सकते। दास मीटिंग विच सारे शामिल सज्जणा नूं बेनती करनी चाहता है कि जे अज भी असी केवल भावुकता भरे भाषण दे के आपो अपने घरां विच जा पुल पला के शांत हो जाना है तो माफ करना, फिर तुसी अपना कीमती समा बर्बाद कर रहे हो। इस तो भी बद होर कुछ भी नहीं। हाँ जे सानू बेआदमियों का दुख है, जे बेआदमियां रोकणियां चाहते हो, जे साड़ी रगां विच सरबंसदानी पिता का खून दौड़ता है, जे तीती सालां तो जेलों में बंद सिंह आजाद करवाना चाहते हो तो अज अणख ते जाग दी जमीर नाल मीटिंग उपरंत प्राण करके अरदास करो कि असी अज आपो अपने घरां नूं तां जरूर जावांगे पर आराम करन लई नहीं, सिर्फ कछहरा तौलिया चुकण लई ही जावांगे। ते अज जो भी अज दी मीटिंग विच सर्वसम्मति नाल गुरु मता पास होवेगा उस ते तन मन ते धन नाल पहरा देवांगे। चंडीगढ़ मोहाली बार्डर ते लगे कौमी इंसार मोर्चे दी पहली डिमांड ही यह है कि बेअवधियां दे दोषियों नूं फांसी की सज़ा नाल कानून होंद विच लियांदा जावे। ये मोर्चा हक सच दी इंसाफ तो इलावा कौम की इज्जत का सवाल भी बन गया है। सो कौम की इज्जत बचाउण अते मोर्चा फतेह करन लई सारियां पार्टियां दे आगू साहिबानां नूं पुरजोर अपील करदा हां कि कौमी इंसार मोर्चे विच पक्के तौर ते वध तों वध शमूलियत कीती जावे। अखीर विच मैं ये भी स्पष्ट करना चाहुंदा हां कि कौमी इंसाफ मोर्चे विच
कई तिरां दे आगुआं नाल कुछ लोकां वलों माड़ा सलूक भी होया सी, जो बहुत मंदभागा सी। बेशक मोर्चे दे प्रबंधकां दा इन्हां मंदभागी घटनावां नाल कोई संबंध नहीं सी, फिर भी दास अपनी नैतिक जिम्मेवारी होण दे नाते आप तो सब तो माफी मंगदा हां। अते आप सब नूं बणदा सत्कार देण लई वचनबद्ध हां। दास जगतार सिंह हवारा, तिहाड़ जेल दिल्ली। सो ये उन्हां दी भावना दा प्रगटावा सी। अज जिहड़े भी जथेबंदी दे तौर ते निजी तौर ते इत्थे संगतां पुज्जियां, उन्हां दा कोट कोट धन्नवाद। हर एक का सत्कार करना साडा फर्ज बनता है, जो असी पिछले समय विच भी जदों तो कौमी इंसाफ मोर्चा लग्या उहदी तालमेल कमेटी ने उस ते पहरा देण दी कोशिश कीती है। सो फिर भी होईयां गलतियां दी जिथे जथेदार जगतार सिंह हवारा ने माफ़ी मंगी है, उत्थे दास भी एक जिम्मेवार होण दे नाते होईयां पिछलियां गलतियां दा एहसास करदा होया माफ़ी मंगदा। सो आस करदा कि यह जो मोर्चा लग्या गुरु ग्रंथ साहब की अगवाई विच लग्या, जहेदार जगतार सिंह हवारा के दिशा निर्देश से लग्या, उहदी कौमी भावना ये किसी विशेष व्यक्ति का लायावा मोर्चा नहीं। सो तुहाडा अपना फर्ज बनता कौमी मुद्दों से लग्या मोर्चा, उन्हां मुद्दों ते इंसाफ लैण लई लग्या। सो तुहाडा अपना अज कौम दा फर्ज बनदा कि उस कौमी इंसाफ मोर्चे विच इंसाफ लैण लई डट के खड़ीए। सो अंत विच मैं बेनती करदा कि जिन्हां तीन प्रोग्रामां दा इत्थे तो ऐलान होया, सानूं तुहाडे सुझावां दी लोड़ है, क्योंकि जिहड़ी भी जथेबंदियां पहुंचियां भावें धार्मिक जथेबंदियां, किसान जथेबंदियां, राजसी जथेबंदियां, उन्हां दा अपना तजर्बा, असीं तां इक अनपढ़ ते अणजाण लोक हैं जिन्हां ने ये सानूं सेवा सौंपी है। सो असीं तुहाडे अरमानां दी कदर करदे होए बेनती करदे हैं कि आउण वाले समें विच वहीरां कत के पुजो, अते तुहाडे सुझा जो उस मोर्चे की चढ़ती कला लई ते सरकारां तो इंसाफ लैण लई होणगे ओ साडे सिर मत्थे। अंत विच मैं सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा, तुहाडा चलिया होया एक एक कदम साडे सिर मत्थे। साडे कोल शब्द नहीं कि असी तुहाडा धन्नवाद कर सकीए। गरीबां दी बेनती जरूर प्रवान करना, चोली अड के थोड़े तो आस करदा भी आउण वाले दिनां विच इस कौमी मोर्चे दा साथ दिता जावे ताकि असी सरकारां तो इंसाफ लै सकीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।